बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के फजल करम ने हमें से बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आप जहाँ भी रहे खुश रहें, बात रहें। आज मैं आपको बहुत अच्छी सी और गुड न्यूज़ सी प्यारी सी बात करने लगी हूँ कि ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारे गुलाब के फ्लावर्स निकलना शुरू हो गए हैं। शुक्र है हमारे गार्डन में गुलाब के फ्लावर निकलना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, छोटी सी मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग के ऊपर ये देखें माशाल्लाह, ये गुलाब का फूल खिलना शुरू हो गया माशाल्लाह। देखिए ज़रा, चलिए शुक्र है हमारे भी गार्डन में फ्लावर तो खिले ना। और ये काली तोरी के फ्लावर देखे माशाल्लाह। और ये हैं जी उसके मेलन के खरबूजे के फ्लावर देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखिए सुबह 9 बजे का टाइम है और बादल देखे नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए और हवा भी चलना शुरू हो गई है, लगता है आंधी भी आएगी। और मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया, इतने दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही है ना, शुक्र है अल्लाह का बारिश आएगी तो मौसम भी ठीक होगा। ये देखें ऊपर इतने बादल बने हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं वैसे ना, छत पे जा कर देखते हैं जी। ये देखें जी, आंधी तूफान वाला मौसम हो गया है। ये देखें माशाल्लाह हवा कैसी चल रही है, नज़र आ रही है आपको। ये देखें जी बादल, टमाटर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह टमाटर भी कितने प्यारे गुच्छों में लगे हुए हैं। ये देखें कुछ तो ये हार्वेस्ट करने वाले भी हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें और मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर भी लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इसको तो हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने हार्वेस्ट कर लिए ये टमाटो। और ये भी रहने देते हैं, ये कल कर लेंगे ठीक है ना। आपको मौसम दिखाऊं तो ये देखें बादल कैसे बने हुए हैं माशाल्लाह से, देखें ठंडी हवा चलिए, साथ बारिश भी आ गई है, तेज़ बारिश आ गई है। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है और जी बारिश भी बड़ी तेज़ आ गई है। ये देखिए जी इतनी तेज़ बारिश आ गई है, ये देखिए जी तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और साथ आंधी तूफान भी चल रहा है। छत पे गई थी वीडियो बनाने के लिए, ऊपर से बारिश आंधी तूफान इतनी ज़्यादा आ गई और ये हार्वेस्टिंग की है। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना बड़ा टमाटो है और जो इधर छोटे छोटे हैं ये भी हो जाएंगे रेड जब रखेंगे तो माशाल्लाह। ये देखें बारिश हुई थी, बारिश के बाद देखें पौधे कितने फ्रेश है, इसके ऊपर पानी खड़ा हो गया। ये हरी मिर्चें के हैं प्लांट हैं, ये देखें और भिंडी के माशाल्लाह देखें, ये देखें भिंडियाँ सब प्लांट्स देखें कितने अच्छे अच्छे हो गए जी माशाल्लाह। बारिश हुई थी ना, बारिश के बाद देखें माशाल्लाह ये ना वो है तरबूज के प्लांट और इसकी बेलें देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रो हो रही हैं। ये हरी मिर्चों के प्लांट है देखें माशाल्लाह, इसमें भी लगाए हैं कितने अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश हो गए हैं जो हरी मिर्चें देखें माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें ये भी, और ये देखें कद्दू की बेल माशाल्लाह। और ये देखें जी खीरे की दो बेलें, ये देखें माशाल्लाह कद्दू की भी है जी कितनी अच्छी हो गई। बारिश के बाद कितना साफ साफ सा समा हो गया ना, और पौधे भी नहला के धुल के अच्छी तरह से नहा धो के साफ सुथरे हो गए हैं। ये देखें सब पौधे बड़े खुश हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे हो, ये आपको दिखाती हूँ मैं इधर। और माशाल्लाह ये देखें जी बैंगन साफ देखे जरा इधर, एक ये गोल वाले हैं और ये लंबे वाले बैंगन माशाल्लाह, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें ठीक है ना, ये देखें माशाल्लाह ये
कैसी लगी जी आपको आज की वीडियो, पसंद आई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कहा चले बारिश के बाद भी दिखा देते हैं कि पौधों का क्या हाल चाल है। ये देखें जी सीड तुलसी की, ये मेरे हर्सिकस का प्लांट। और जी देखे बारिश के बाद आसमान कितना साफ सुथरा हो गया है माशाल्लाह। ये देखें जी पहले कितने बादल बने हुए थे और अब कितना साफ सुथरा हो गया। ये देखें और बाहर का सीन भी चेक कर लेंगे। ये देखे माशाल्लाह हवा अभी भी चल रही है, बहरहाल जरा मौसम साफ हो गया। अमरूद को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं छोटे छोटे ना, वो हमारा रिक्शा भी खड़ा होगा जी। आपको पता जैसा कि सर्दियां चली गई हैं और ये काम करना भी बड़ा ज़रूरी था, इसलिए वजह से आज मैं पता क्या कर रही हूँ। ये देखे ये खुड्डा है ना जो मुर्गियों वाला, ये साफ़ किया सारा, ये सारा निकाल के रखा है जी। मेरी खाद बन जाएगी पौधों के लिए ना, ये ना पौधों के लिए हमारी खाद बनेगी। इसको मैं ना सेव करके रख लूँगी किसी तोड़े में डाल के, और जब हम मिट्टी बनाएंगे ना इसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़ा ये डाल के आधी आधा, उसके आधी मिट्टी और आधी ये कंपोस्ट डाल के, तो फिर हम पौधों में डाल देंगे और जो इसको साफ़ कर लेंगे। अभी ये देखिए आपको गंदा नज़र आ रहा है, ये भी थोड़ा सा बीच में रह गया, ये निकाल लेते हैं फिर हम इसको धो के आपसे मिलते हैं। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी में जी आपको पता है गर्म होती है, तो इस तरह मुर्गियाँ फिर आराम से नहीं बैठ सकती। रोज़ इसको धो दिया करेंगे, साफ़ हो जाया करेगा, फिर वह ईजी होकर बैठ जाया करेंगे। इसके लिए मुर्गियों के अंडे देने के लिए ना हमने एक टोकरी में ना कोई चीज़ तोड़ी तूरी वगैरह डाल के ना, तो वो रख देंगे इसमें, ठीक है ना। चलो अब इसकी सफाई कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी साइडों से सारा साफ़ कर दिया, अभी हमारी लाइट नहीं, अभी लाइट आती है तो फिर हम इसके अच्छी तरह से धुलाई कर देंगे, साफ़ कर देंगे इसमें, और फिर इसमें हम चूजे बंद किया करेंगे। अब ये मुर्गियाँ ना जो इसमें बंद किया करेंगे, ये देखो ऐसा हो गया। और ये देखें जी हमारी छोटी पलटून बाहर निकली है और एक चूजा हमारा ज़ख्मी हो गया। ये देखें इसकी टांग है ना जो थोड़ी ख़राब हो गई है, ये देखें लकड़ा के चल रहा ना, ये दोनों एक जितने ही हैं। देखें एक बड़ा एक छोटा लग रहा है, वो बीमार हो गया ना, उसकी टांग का मसला हो गया, इसलिए वो ना सही नहीं चल रहा। और दूसरा ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रहा, ये देखिए कैसे मेरी हरी मिर्चों के ना पत्ते खा रहे हैं, इन्होंने एक मिनट में सारे खा देने हैं, इनको भी मना करती हूँ। ये देखिए जी खुड्डा साफ़ किया था, साफ़ करने के बाद मैंने ना ये कुछ दाबड़े में डाल दिया और ये कुछ ग्रो बैग भर लिया सारा ना। ये देखिए अब इसमें मैं यूज़ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा मिट्टी में डाल के, थोड़ा ये मिट्टी एक दो हिस्से मिट्टी डालूँगी, एक हिस्सा ये डालूँगी और ये हमारी कंपोस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। ये डीकम्पोज भी हो जाएगा, नीचे ऊपर से मिट्टी डाल के हम पालक वगैरह कोई चीज़ लगा देंगे और इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह वाइट विंग का कितने खिले हुए हैं, और मुर्गियाँ हमारी ने रोड़ा डाला हुआ है, उन्होंने अंडे दे दिए, उन्होंने रोड़ा डाला हुआ है। ये देखिए एलोवेरा का प्लांट माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, और इसके बेबीज देखे ज़रा, ये भी बेबीज है, ये भी है, और एक उस साइड पर भी निकल रहा है एक, ये देखिए कितने बेबीज निकले हैं इसके। इस तरह एक प्लांट लगाए, इसका तरीका मैं आपको लगाने का बताऊँगी किस तरह इसको लगाएं तो फिर ज़्यादा प्लांट निकलते हैं, ठीक है ना। ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो से, ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखिए I was there when needed someone, wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved up.